आप जैसे कितने आए और कितने गए। चेन्नई में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को चेन्नई के वेपेरी जिले में YMCA सभागार में मध्य चेन्नई के भाजपा उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। साथ ही अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में बोलने वाले विपक्षी दलों को लेकर भी बयान दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को चेन्नई के वेपेरी जिले में YMCA सभागार में मध्य चेन्नई के भाजपा उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। साथ ही अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में बोलने वाले विपक्षी दलों को लेकर भी बयान दिया। सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने अयोध्या में राम मंदिर के पूरा होने के महत्व पर भी अपनी बात रखी। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री ने कहा इस देश में ऐसे राज्य भी हैं जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी। ये पश्चिम बंगाल और केरल में हुआ। आज ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहां भगवान राम के चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं। मालूम हो कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें देश के हजारों नामचीन हस्तियां और नेता मंत्री शामिल हुए थे। इस बीच राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इस हद तक विरोध किया कि उसने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली पार्टी के एक सदस्य को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभा से पूछा कि क्या वे खुश हैं कि राम मंदिर बनाया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। चेन्नई में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपके जैसे कई लोग आए और चले गए, हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल चेन्नई से बीजेपी के कैंडिडेट विनोद वी सेल्वम के समर्थन में वेपेरी स्थित YMCA ऑडिटोरियम में एक रैली की। इस दौरान मंच से राहुल गांधी पर हमला बोला, राम मंदिर को लेकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के इंडी अलायंस शासित कुछ प्रदेशों में जय श्री राम का नारा लगाने पर लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसा पश्चिम बंगाल और केरल में हुआ। आज हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में सर झुकाए खड़े हैं। राम मंदिर भी बना, इसकी तारीख भी बनाई गई और प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे थे उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया। हालांकि उन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया। इससे पता चलता है कि उनमें कितना अहंकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को राजस्थान रैली के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इस हद तक विरोध किया कि इसमें शामिल होने वाले अपने एक नेता को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। अजमेर में रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि आप लोग राम मंदिर बनने से खुश हैं या नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का विरोध किया गया, क्या ये सही है, क्या आप राम के बिना देश की कल्पना कर सकते हैं।